ये अराउंड 48 इंचेस का पॉट है हमारे पास। हाँ। ये आप देख सकते हैं, मैं उठा के दिखाऊं। डिजाइन लोगों में हमारे कस्टमर्स में ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। क्योंकि जो थोड़ा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं ना, हाँ। तो कहते हैं कि इसमें तो गंदा ही नहीं होता। ये पॉट भी बहुत सुंदर है। इसके थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। हाँ। जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि ये आपकी स्पेस बहुत बचाता है, चढ़ के कोई भी नहीं दिखाता है। साइडवेज इतना ज्यादा हेवी क्वालिटी है, ये देखिए क्या उस पर आपने पीडब्ल्यूडी के गमले लगे हुए देखे होंगे। हाँ। ग्रीन कलर से पीडब्ल्यूडी लिखा होता है। हाँ। वो सेम पॉट है। हाँ। वो सीमेंट के पॉट नहीं होते, वो रोटो के ही पॉट है। सस्ते से सस्ता। हाँ। एकदम जो खतरनाक सस्ता होता है वो भी मिलेगा। हाँ। और महंगा जो एकदम खतरनाक महंगा है महंगा। वो भी आपको मिलेगा पॉट। मेरे पास यहाँ पे 14,000 तक का पॉट है। अच्छा, सिंगल पॉट और सबसे सस्ता है वो 10 रुपए का पॉट भी मेरे पास अवेलेबल। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे पॉट्स हैं। आज मैं खास बालाजी नर्सरी आया हुआ हूँ। इन पर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज खास जो मैं आया हुआ हूँ एग्जॉटिक पॉट्स कवर करने के लिए। अगर आप अपने घर के लिए कुछ पॉट्स सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जॉटिक पॉट्स बाई करने के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और देखने में भी बहुत सारे बहुत खूबसूरत हो, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोटो पॉट्स। ये जो पॉट्स देख रहे हैं ना, ये बहुत ही एग्जॉटिक है और जो उसकी थीम है और जो कलर्स है ना, वो आपके घर के हिसाब से होम डेकोर में बिल्कुल मैच कर जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये सारे डिज़ाइंस ना मैं आज आपको दिखाऊंगा और क्या खासियत है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज मेरे साथ होने वाले हैं गौरव जी जो कि बालाजी नर्सरी के ओनर हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन से पॉट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और क्या डिटेलिंग है पॉट्स के बारे में। वो सारी बातें हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाई करना है तो बाइंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, गूगल मैप लोकेशन है। अगर आप ऑनलाइन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो भाई आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप विजिट कर सकते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए बालाजी नर्सरी और यहाँ आके देखिए पॉट्स के इतने सारे डिज़ाइंस हैं, इतनी सारी वेराइटी है, ये सारे देखिए और तब आप आके सलेक्शन कीजिए और फिर बाय कीजिए। बाकी चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गौरव जी आज क्या खास दिखाने वाले हैं? आज अनिश जी हम आपको प्रीमियम फाइबर पॉट्स। हाँ? और रोटो प्लांटर्स दिखाने वाले हैं जिसके बीच मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। अरे वाह जी, डिजाइन तो भाई एकदम लाजवाब है भाई। आप मतलब कि है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रोटो पॉट्स एक्चुअली क्या होते हैं अनिश जी, जो आपका सबसे इजी जो तरीका है जो लेमैन को या फिर जो आम आदमी को समझाने का है। हाँ? वो ये है कि जो आपका पानी की टंकी जिस मटेरियल की होती है। हाँ? सेम उसी तरीके के मटेरियल का हम पॉट लेके आ गए हैं। तो ये बात आपने सही बोला कि जो कि सालों साल तक पानी की टंकी लगी हुई रहती है उसे कुछ नहीं होता। यस यस, उसमें वही होता है कि जो आपकी टंकी आप जानते हैं कि 20-25 साल आराम से आपकी चल जाती है, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ये पॉट भी उसी क्वालिटी का है सेम। इसको रोटो पॉट बोलते हैं या फिर पूरा नाम इसका होता है रोटेशनल पॉट। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए क्योंकि साइजेस तो भाई बड़े से लेके ना छोटे तक है। मैं आपको सबसे पहले अनिश जी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो हमारे पास सबसे बड़ा पॉट है। अरे वाह, ये अराउंड 48 इंचेस का पॉट है हमारे पास। हाँ। ये आप देख सकते हैं, मैं उठा के दिखाऊं। अरे भाई साहब, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ड्यूरेबल बहुत होता है ये ऑब्वियसली। हाँ? और आप वेट देखेंगे तो वेट हल्का मैं उठा पा रहा हूँ। हल्का हाँ, मतलब उतना भी हल्का नहीं होगा, मतलब हल्का ही है। अगर इतना बड़ा कोई भी और मटेरियल का होगा तो कम से कम इससे 10 गुना इसका वेट होगा। हाँ, 4 बंदे लगेंगे उठाने के लिए। उठाने के लिए तो आप ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा पॉट है कि आप कहीं पे भी अगर लगाते हैं अपने फार्म हाउस पे या फिर कहीं पे भी होटल्स वगैरह के अंदर, चाहे घर के अंदर भी अगर आपकी जगह है तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर आप मतलब लोटस पॉन्ड बना सकते हैं, चाहे फाउंटेन बना सकते हैं। ये अच्छा आइडिया दिया आपने। या फिर इसके अंदर आपके बड़े बॉन्साइज हैं तो वो लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है इसके अंदर लगाया हुआ। हाँ, जो बड़े बॉन्साइज के जो एग्जॉटिक बॉन्साइज होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उसके लिए तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर कितने साइजेस हैं आपके पास? ये जो हमारे पास पॉट है इसके अंदर हमारे पास 4 साइजेस है टोटल, ठीक है। ये 48 इंचेस का है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट साइज जो है हमारा वो है 36 इंचेस। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जी आपको। हाँ। हमारे पास जितनी भी वैरायटी है। हाँ। उसके अंदर हमारे पास आपको 4 कलर मिलेंगे। मैं उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ।
एक ये सैंडस्टोन कलर, एक ये व्हाइट मार्बल कलर, ठीक है, और एक ग्रे कलर। ग्रे कलर ये हर एक पॉट के अंदर आपको रेडी स्टॉक मिलेगा हमारे पास। हाँ। तो आप ले सकते हैं। तो मैं बता रहा था 36 इंच का पॉट है, ठीक है, उसके बाद जिसको मैंने हाथ लगाया था 24 इंच का है, और एक इससे छोटा 15 इंच का भी है, वो हमारे आगे रैक में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। एक ऐसी ही, फिर एक ये प्रॉपर ऊंचाई वाला पॉट है, वो तो सारे टब्स हो गए। हाँ। ये एक प्रॉपर पॉट है, ये है 30 इंचेस का हमारे पास। 30 इंचेस का? यस। क्या बात, ये 30 इंचेस का कलर इसके अंदर भी आपको सारे मिलेंगे। क्या बात है। उसके बाद जी अनिश जी, ये तीन कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, और इसके अंदर तीन साइजेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या बात है। और ये पॉट खासकर मैं बताऊं, ये सारे पॉट ही आपके आउटडोर्स में तो बहुत अच्छे चलते ही चलते हैं। अगर आउटडोर्स में आप सोचे कितना अच्छा चलता है, तो इंडोर्स में भी बहुत अच्छा चलता है। अच्छा। और खासकर इसके जो पैटर्न्स होते हैं, ये जितने भी हमारे पॉट्स हैं, ये सारे मार्बल लुक में है, तो आपके डेकोर के साथ भी घर के बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत सुंदर जाएगा। और ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अनिश जी, ये वाला डिजाइन लोगों में, हमारे कस्टमर्स में ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। क्योंकि जो थोड़ा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं ना, तो कहते हैं कि इसमें तो गंदा ही नहीं होता। हाँ, कहीं पे भी मिट्टी फंसती नहीं है, तो एक बार कपड़ा मारा साफ, बिल्कुल चमक रहा है, चमक रहा है एकदम, बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे नॉर्मल प्लास्टिक पॉट से हैवी है ये, बहुत हाथ में उठा के हैवी भी है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ चीजें मैंने हाथ में पकड़ी, कुछ प्रीमियम चीज मैंने पकड़ी। यस एकदम। तो इसमें आप ये देखेंगे, जैसे हमारे पास 12 इंचेस का है, इसी में बड़ा साइज है आपका, ये 15 इंचेस का है। सोफा के बगल में लगा दिया जाए तो क्या लगेगा? अरे बहुत अच्छा। जैसे मैं सजेस्ट क्या करता हूँ कस्टमर्स को, कि आप तीनों का एक एक पीस ले लीजिए। हाँ। तीनों का एक एक पीस करके, एक बड़ा प्लांट, एक मीडियम प्लांट और एक स्मॉल प्लांट लगा के लगाएं कॉर्नर के अंदर, तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे ये बड़ा पॉट है, ये हमारा 20 इंचेस का है अनिश जी। क्या ये तीन कलर इसके अंदर भी आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं अनिश जी, अब कोई कोई बोलते हैं कि हमें स्क्वायर पॉट्स चाहिए। अरे ये तो ये पॉट भी बहुत सुंदर है, इसके थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। हाँ। इसके अंदर भी आपको तीनों कलर मिलेंगे। हाँ, हाँ। ये भी अराउंड आपका समझिए 14-15 इंचेस का पॉट है, ये भी बहुत सुंदर पॉट है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके और भी पीसेस है हमारे पास आगे रैक में, वो दिखाऊंगा। ये तो अभी हम बड़े बड़े पीसेस सारे कवर कर रहे हैं। उसके बाद एक ये बहुत अच्छा सुंदर पॉट है अनिश जी, इसमें देखेंगे आप मार्बल लुक तो है ही, बट ये पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है, एक टेक्सचर बना हुआ है इसके अंदर पूरे में, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि ये आपकी स्पेस बहुत बचाता है, क्योंकि स्क्वायर है ये। हाँ। जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं ना, उनके लिए मतलब उनके लिए बहुत अच्छा है, परफेक्ट चीज है। अब जैसे अगर आप मतलब नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं, नेचुरल फ्लावर्स अगर ना लगा के आर्टिफिशियल भी लगाते हैं ना, तब भी बहुत बढ़िया है। मैं एकदम यही बोलने वाला था, आजकल क्या है अनिश जी, हाँ। बड़ी बड़ी स्टिक्स आते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। हाँ। तो बहुत सारे कस्टमर यही करते हैं, अपना लेके गए। हाँ। कॉर्नर में या जो भी आपको जगह मिली घर के अंदर, उसके अंदर स्पॉट को लगाया। हाँ। उसके अंदर नेचुरल प्लांट नहीं भी लगाना, तो आजकल इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स आते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, वो इसके अंदर लगाए खड़ी करते, वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। कलर्स तो इसके अंदर भी हैं, आप जानते ही हैं। अभी अनिश जी आपको मैंने ये दोनों डिजाइन दिखाए थे टॉल में, और दो तीन और डिजाइन दिखाए थे। एक और डिजाइन है हमारे पास प्लेन में, जो की विद ट्रे आता है, ये डिजाइन भी हमारा बहुत चलता है। एक ये छोटा साइज है और एक इसी के अंदर बड़ा साइज है। अरे और सबसे अच्छी बात कि दोनों में ही आपको ट्रे मिलती है, दोनों में ट्रे मिल जाएगी। हाँ, और ये काफी हमारा पॉपुलर डिजाइन है, और तीनों कलर इसके अंदर आपको मिलते हैं। जी अनिश जी आप देखेंगे। हाँ। ये हमारे पास नॉर्मल डिजाइन है। हाँ। ये 12 इंचेस का पॉट है, और सबसे सस्ता पॉट भी जो हमारा है। हाँ। मैं इसमें प्राइस डिस्क्लोज करता हूँ। हाँ। ये 660 से चालू होते हैं हमारे रोटो पॉट्स। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही स्टर्डी, और इसका मटेरियल और इसकी मेकिंग बड़ी कॉस्टिंग इसकी हैवी होती है, इस कारण इनके प्राइसेज है, लोग सोचेंगे इतना महंगा क्यों। ठीक है। तो ये 12 इंचेस का है हमारे पास। उसके बाद 17 इंचेस का, और इसी में 20 इंचेस का। अच्छा। ये तीन साइज हमारे पास डिजाइन के अंदर अवेलेबल हैं। ये भी काफी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल गमले की एक शेप होती है। हाँ, उस शेप में है, उस शेप में है। उसके बाद हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको जो टॉल वाले जो हम दिखा रहे थे ना अनिश जी, वही दिखाता हूँ। टॉल वाले के अंदर देखिए, जैसे ये भी है राउंड के अंदर, ये आप अगर लगाते हैं अपने एंट्रेंस पे लगाते हैं, चाहे घर के कॉर्नर्स में, चाहे कहीं सेंटर पीस, कोई भी हाइलाइटर में लगाते हैं आप, ये बहुत सुंदर लगते हैं वाले पॉट्स। आप लगाएंगे तो बड़ा सुंदर लगता है। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कलर्स कितने प्यारे कलर्स। यस, ये कलर्स मैं तो देखता हूँ, डिजाइन तो है ही है, कलर्स भी इनके बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनके डिजाइन को। ये देखिए राउंड, ऐसे आप देखें राउंड शेप के अंदर, परफेक्ट राउंड एक ये शेप है, ये भी आप ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा। टॉल के अंदर फिर एक नया डिजाइन आपको दिखाऊं अनिश जी, देखिए ये है एक डायमंड कट टाइप का शेप, डायमंड कट साइड। ये तो अपने आप में ना प्रीमियम लग रहा है, प्रीमियम बहुत लग रहा है, क्योंकि शेप इसके इतने डिफरेंट है। इस तरह के पॉट्स हैं ये तो भाई। yes, दिल खुश कर दिया सर आपने। इसी में ही देखेंगे अनिश जी ना, तो इसमें बड़ा साइज भी है। हाँ।
और कलर्स की कोई भी व्यूअर्स चिंता ना करें, सब में तीन तीन कलर्स अवेलेबल है ही हमारे पास, जैसी आपकी चॉइस हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको किश्तियां दिखाना चाहूंगा नीश जी। किश्तियां भी इसकी बहुत स्टर्डी और बहुत हैवी होती है। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये किश्ती आपको नॉर्मली फाइबर के गमलों में मिलती है, बट ये हमारे पास रोटो के अंदर है। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि शेप तो आपकी फाइबर की हो गई, स्ट्रेंथ आपकी हो गई एकदम लोहे की एकदम। अच्छा, ये सारे ही पॉट्स के लिए बोल रहा हूँ। बाकी मैं इसमें एक काम करता हूँ, आपको चढ़ के दिखा दूँ। जो नॉर्मल सारे लोग हर अपने पॉट्स में दिखाते हैं कि उल्टा करके चढ़ के दिखाते हैं, वो तो ऑब्वियसली है ही, पर ऐसे चढ़ के कोई भी नहीं दिखाता है। साइडवेज इतना ज्यादा हैवी क्वालिटी है। ये देखिए क्या बात है, आप देखिए कितना स्टर्डी और कितना मजबूत गमला है हमारा, बहुत ही मजबूत। ये आप देख सकते हो कलर्स वगैरह इसमें भी हैं। अच्छा, इसके अंदर किश्ती में एक और डिजाइन है अनीश जी। अच्छा, वो तो प्लेन था। इसमें ये एक बैंड टाइप का डिजाइन है। और साथ में इसके अंदर एक नीचे ऐसे अलग से दिया हुआ है, तो ये भी काफी डिफरेंट सा डिजाइन है। तो ना लगे लोगों को कि ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। और बाकी कलर्स इसके अंदर है। तो सर यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिजाइन्स दिख रहे हैं। ये वाले भी पॉट्स वही सेम रोटो पॉट्स हैं? यस यस अनिल जी, ये भी रोटो पॉट्स हैं। आप देख सकते हैं, अब जो हमारे हम जिस तरफ आए हैं, ये हमारे और छोटे साइज के रोटो पॉट्स हैं, पर इसमें जो डिजाइन्स आप देखेंगे और अट्रैक्टिव हो गए। क्या बात और है? इसके अंदर एक एडिशनल कलर भी है जो हम दिखाएंगे आपको अभी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पॉट है जो तीन का सेट ज्यादातर लगता है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये पॉट है पूरा, ये क्यूब शेप का है। पैटर्न बहुत सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में ना, स्क्वायर शेप में, प्लस व्हील्स भी है इसके अंदर। अरे वाह, आप देखेंगे तो ये है। इसके अंदर तीन साइजेस हैं, एक दो तीन, जैसे सबसे बड़ा साइज आपको मैं दिखाता हूँ साथ में। अच्छा। और कलर भी है, कलर भी आपको वही तीन मिल जाएंगे इसके अंदर। ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। और अगर आप कहीं पे ड्राइंग हॉल के अंदर चाहे इवन आउटडोर भी अगर लगाना चाहे, इसको आप तीन के सेट में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अनिल जी, उसके बाद ये वाला पॉट मैं दिखाना चाहूंगा, ये भी काफी डिफरेंट डिजाइन है। और जो एडिशनल कलर की बात कर रहा था वो यही कलर है। अरे आपने अभी तक इसके जैसा ये वाला कलर देखा था, आप देख सकते हैं डिफरेंस। एक ये हमारे पास थोड़ा लाइट टोन में हल्का सा बेज टाइप का कलर है ये भी। तो इसका और डिजाइन आप देखेंगे इस गमले का, ये भी काफी प्रीमियम लुक देता है, बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है। प्लस सबसे अच्छी बात, जो लोग ट्रेस के दीवानी है, ये ट्रे के साथ आता है ये वाला पॉट। और जो मजे की बात है, ट्रे का कलर भी इससे मैच कर रहा है। सेम एग्जैक्ट सेम मिलेगा आपको, एग्जैक्ट सेम कलर्स आपको इसके अंदर ही मिलेंगे सेम गमले के अंदर। मुझे ज्यादा पसंद ये वाला कलर, मुझे ज्यादा मतलब कि लग रहा है कि हाँ ये चीज समझ गए आप हमारे फिर ग्रे पॉट के कस्टमर हैं। इसके बाद देखेंगे अनिश जी, एक ये डिजाइन भी बहुत मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, स्क्वायर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास तीन साइज है, आप देख सकते हैं ये दोनों साइज में ट्रेज हैं हमारे पास। इस साइज के अंदर ट्रे नहीं आती है। अच्छा। तो सबसे बड़ा पॉट आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी काफी खूबसूरत लगता है, आप देखेंगे अगर लगाएंगे कहीं पे भी तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही आपको इसके अंदर व्हील है क्या? इसका नहीं, इसके अंदर व्हील्स नहीं है, इसके अंदर व्हील नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल बेस है। अच्छा, लोगों की एक और चीज की दिक्कत आती है यानी जी, लोग बोलते हैं कि इसमें छेद नहीं है, छेद की जगह ये बनी हुई है, इसको बस रोक रखा है हमने कैप लगा के। प्लस कहते हैं कि अगर पानी नीचे चला भी गया तो साइड से निकलेगा कैसे, तो उसके लिए नालियां बनी होती है इसके अंदर। तो वो किसी भी पॉट में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी हो जाते हैं। रुकेगा नहीं, सूख जाएगा, रुकेगा नहीं, निकल जाएगा आराम से। पॉट आपको ओवर वाटरिंग से नहीं खराब होगा। ये आपके पॉट्स हो गए, इनके अंदर भी ट्रेज आती है। एक और चीज बताता हूँ मैं अनिश जी, जो हमारे जितने पॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले में विद ट्रे लगे हुए हैं, वो आपको विद ट्रे ही मिलेंगे। और जिनके अंदर ट्रे नहीं है, उनके अंदर ट्रे आती ही नहीं है। प्राइसेस इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड प्राइसेस है विद ट्रे। अब इसके बाद मैं एक अलग शेप दिखाना चाहूंगा अनिश जी आपको, ये वाली शेप, ये भी राउंड शेप है जो हमने उधर देखी थी, बट इसमें ये लाइंस हैं, ये भी काफी प्रीमियम लुक ऐड करते हैं पॉट के अंदर। ये आप देखेंगे, ये भी विद ट्रे आता है हमारा, जैसे इसके अंदर इसकी ट्रे यहाँ पे रखी हुई नहीं है, इसकी ट्रे रखी हुई है, आपको दिखाऊं मैं अगर तो, ये भी सेम एकदम सेम कलर की ट्रे है, ये इसके साथ की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसके अंदर फिर नेक्स्ट साइज ये है अनिश जी, आप देखेंगे इसके अंदर ये 16 इंच का पॉट है हमारा, सेम शेप में। और उससे नेक्स्ट जो साइज आता है हमारे पास फिर ये है, ये 19 इंचेस का पॉट है, 19 इंचेस का है। यस, क्या बात है, ठीक है अनिश जी। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद अनिश जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने टब स्टार्टिंग में कवर किए थे, ये उसी का छोटा टब है। अच्छा, उसका डिजाइन हल्का सा ये चेंज है, ये 15 इंचेस का हमारा टब है। कलर्स इसके अंदर भी अवेलेबल है।
आप देख सकते हैं, मतलब अगर वो जो पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं लोटस वगैरह, लोटस वगैरह के लिए तो इतना बढ़िया है। हाँ। इवन मैं एक कस्टमर के हमारे हमने लगवाया था तो उसने क्या किया था, बड़े पॉट के अंदर पॉन्सेटियाज लगाए हैं, पॉन्सेटियाज, तो उसने बड़े वाले पॉट के अंदर कम से कम 10 पॉन्सेटियाज लगा के इतना सुंदर लग रहा था वो पॉट, और लग रहा था कि जैसे एज इट इज कोई उठा के ले जाए, इतना सुंदर लग रहा था। एक बार खरीद लो और ना मतलब जो है मतलब कि 5-10 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे एक चीज बताओ निजी, ये कंपनी तो बोलती है कि 5-7 साल, बट जो एक्चुअल है ना ये 20-25 साल भी कहीं नहीं जाता पॉट, कहीं नहीं जाता। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि जो रोड्स पर लगे हुए होते हैं वो ये वो क्या होता है, जैसे अनिल जी हमारे जो व्यूअर्स ने भी जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने खासकर देखा होगा कि आपको मेन रोड्स जो हमारी हैं हाईवेज हैं उस पर आपने पीडब्ल्यूडी के गमले लगे हुए देखे होंगे, ग्रीन कलर से पीडब्ल्यूडी लिखा होता है, वो सेम पॉट है, वो सीमेंट के पॉट नहीं होते, वो रोटो के ही पॉट है, वो आप देख सकते हैं कि रोड पे इतना रफ यूज में जहां पे चल सकता है तो फिर ये कहीं पे भी चल सकता है, कहीं पे भी चल सकता है। वो कई बार लोग सोचते हैं सीमेंट का है, पर सीमेंट का नहीं है वो, कि धूप में पड़े पड़े वो सूख जाएगा और टूट के वो झड़ जाएगा, नहीं 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 ऐसा लोगों को मानना होता है, पर वो सीमेंट होता ही नहीं है, वो सीमेंट नहीं है, वो रोटो मटेरियल का ही पॉट है। ठीक है, अच्छी बात बता दी आपने। उसके बाद अनिल जी मैं आपको दिखाऊं, एक ये पॉट है हमारे पास, ये भी आपने पहला डिजाइन देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है, इसके भी कलर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप एक ये डिजाइन देखिए अनिल जी हमारे पास, ये भी काफी डायमंड शेप में, वो तो लंबे वाला था, ये थोड़ा छोटे साइज में जो पॉट है ये भी अवेलेबल है, कलर्स इसमें भी अवेलेबल है, बहुत बढ़िया सर। एक ये शेप है, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप का शेप है, बट आप देखेंगे इसके अंदर कॉर्नर्स इसके अलग, इसके ऑक्टेगनल शेप है, मतलब 8 साइड्स हैं इसकी, 8 साइड्स हैं। ये इस टाइप का पॉट हो गया अनिश जी। तो गौरव जी बालाजी ही नर्सरी लोग क्यों आए, अक्सर ये कमेंट आ रहा था, हमने आप 2-3 वीडियो हमने शूट किए हैं और ये बोल रहा था कि भाई हम बालाजी नर्सरी क्यों आए, तो भाई इसका जवाब ना मेरे को चाहिए कि आखिर बालाजी ही नर्सरी हम क्यों आए। मैं एकदम दूंगा इस चीज का जवाब अनिश जी आपको, क्या है अनिश जी आज हर एक आदमी को ना अलग अलग चीज चाहिए होती है, जो भी गार्डनर हमारे पास आता है किसी को स्टैंड चाहिए, किसी को सेरामिक पॉट चाहिए, किसी को आपके प्लास्टिक पॉट चाहिए जितनी भी वैरायटी के, किसी को रोटो पॉट चाहिए, किसी को फाइबर चाहिए, किसी को सीमेंट का चाहिए, तो किसी को आपको मिट्टी का गमला चाहिए। तो यहाँ पे बालाजी नर्सरी में हर एक आदमी को अपने चॉइस के और वैरायटी के सारी चीजें मिलती हैं, सस्ते से सस्ता एकदम जो खतरनाक सस्ता होता है वो भी मिलेगा, और महंगा जो एकदम खतरनाक महंगा है वो भी आपको मिलेगा पॉट। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 14,000 तक का पॉट है। अच्छा, सिंगल पॉट और सबसे सस्ता है वो 10 रुपए का पॉट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो जो चाहे वो मिलेगा, वो मिलेगा जितनी क्वांटिटी में चाहे वो मिलेगा। अब जैसे आपको आप पूछ रहे थे क्या है वैरायटी, तो ये आप स्टोन्स की वैरायटी देखेंगे, स्टोन्स की वैरायटी है, और सबसे अच्छी बात जो प्लांट्स जिसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं वो प्लांट्स की वैरायटी भी लोग पहले वाली हमारी वीडियोस में देख चुके हैं, जो भी रेयर प्लांट्स है, जो नॉर्मली ग्रोइंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग, सीजनल, क्रीपर, तो वो सब कुछ है। वीडियो का जो लिंक होगा ना मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एकदम चेकआउट। अच्छा, अब जैसे अनिश जी आप जैसे एक एग्जांपल है हैंगिंग पॉट का ही, तो हैंगिंग पॉट की वैरायटी हमारे पास कम से कम 15 है, 15 है अलग अलग वैरायटी के, बास्केट्स, हुक पॉट, हैंगिंग पॉट, स्क्रू करने वाले पॉट, वर्टिकल वाले पॉट, सब कुछ है। आप कोई भी आइटम पकड़िए उसकी मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और एक और चीज बताऊंगा मैं अनिश जी आपको, ये यहाँ पे जितने भी पॉट्स आप नीचे देख रहे हैं लगे हुए, ये सब एक एक डिजाइन के, सिर्फ एक पॉट ही रखा हुआ है हमारा। इसका स्टॉक हमारा गोडाउन के अंदर रखा होता है, जितना चाहे उतना मिल जाएगा। बल्क बाइंग करना चाहते हैं बल्क बाइंग कर सकते हैं एकदम। तो ये ना बहुत ही कुछ खास दिख रहा है, ये क्या है? ये अनिश जी हमारे पास जो नॉर्मल क्वालिटी के फाइबर पॉट्स होते हैं वो तो है ही, पर ये हमारे हैं प्रीमियम क्वालिटी के पॉट्स, प्रीमियम फाइबर पॉट्स, ये आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर खासियत क्या है, एक तो इनकी जो लेयरिंग होती है, जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत स्टर्डी होती है, प्लस आप इनके डिजाइन देखेंगे तो डिजाइन देख के दिल खुश हो जाता है एकदम। डिजाइन और कलर भाई अपने आप में बोल रहा है, ये ऐसे है जैसे हैंड प्रिंट होता है। यस जी, होता है, हैंड प्रिंट ही होता है, ये हैंड प्रिंट है। हाँ हाँ, ये हैंड प्रिंट होता है और इसको पूरा वैसा फिनिश दिया जाता है, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। तो आप जैसे इंटीरियर के हिसाब से अपना लेना चाहते हैं कोई भी पॉट, तो आप ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर है और इसके अंदर भी साइज अवेलेबल है, साइज है, ये 2 साइज देखिए अवेलेबल है। ऐसी एक हमारे पास डार्क ग्रे का ये मैट फिनिश का पॉट है, अरे भाई ये हल्का सा इसमें मिट्टी आ गई है नीचे, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है घर के अंदर। लग रहा मेटल का है, ये मेटल जैसा लग रहा है, बट ये है फाइबर, फाइबर पर ये प्रीमियम फाइबर है, प्रीमियम फाइबर। इसके अंदर भी साइज अवेलेबल है, बड़ा साइज ये देख सकते हैं नीचे आप।
ये भी बहुत प्रीमियम लुक देता है। डबल शेड्स में चाहिए कुछ, मतलब कि ग्लॉसी में, तो ये भी अवेलेबल है। ये तो मेरा फेवरेट पॉट है अनीश जी, इसका एक और छोटा साइज भी है, वो हमारा सेल आउट हो गया 2-3 दिन पहले। डाइनिंग टेबल के साइड में लगा दीजिए, या फिर फ्रिज, या फिर अपने सोफा के बगल में लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, इतना सुंदर लगेगा और जगह भी कम लेगा। जगह तो कम लेगा ही। ये आप देखेंगे ऊपर का बैंड आपका ग्लॉसी कलर का है, हाँ। और ग्लॉसी है फिनिश में, और नीचे वाला पूरा मैट है, तो ये भी काफी सुंदर लुक देता है। इसमें भी साइज आप देख सकते हैं कि एक बड़ा साइज भी अवेलेबल है हमारे पास, ये वाला, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही हम अगर आगे आते हैं अनीश जी, अगर कस्टमर सोचे कि हमारे पास सस्ते वाले नहीं है, तो हम सस्ते वाले भी यहाँ पे अभी दिखाने वाले हैं। बाकी एक और मेरा फेवरेट पॉट है प्रीमियम फाइबर में, वो है ये। अरे वाह, इसका पैटर्न देखिए, हाथ लगा के अगर टेक्सचर देखेंगे वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और काफी इसके अंदर कलर भी हमारे पास एक या दो और कलर अवेलेबल हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। प्लस जैसे जो लोग बॉन्साइज लगाते हैं या फिर टेरेरियम किट बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल एक ये पॉट है फाइबर का। इसकी शेप बड़ी अच्छी है और ये भी टेक्सचर्ड फिनिश के अंदर है, ये भी काफी प्रीमियम लुक देता है आपके प्लांट को। उसके बाद अनीश जी, लोग अगर सोचे कि सब महंगी महंगी आइटम दिखाते हैं, हमारा कैसे होगा काम? हमारा काम है कि जो भी कस्टमर आए सबको केटर करना, सबको खुश करके भेजना। तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल क्वालिटी के, नॉर्मल मतलब जो मार्केट में क्वालिटी मिलते हैं उससे प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी सेम रेट में हमारे पास। तो आप देख सकते हैं छोटे से छोटा पॉट जो फाइबर का होता है, शेप्स इसके अंदर अलग अलग अवेलेबल हैं, ठीक है। और वापस मैं बताऊंगा, ये सबके हर एक चीज के एक एक पीस ही रखा हुआ है यहाँ पे, हमारा बाकी स्टॉक गोडाउन में रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आपका साइज और कलर है, इसके अंदर फिर और हमारे पास साइजेस हैं। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर कस्टमर आते हैं वो अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज भी करवा सकते हैं हमसे। अच्छा, आपको रेड कलर चाहिए, आपको गोल्डन कलर चाहिए, अच्छा ब्लैक कलर चाहिए, आप हमें बताइए, ऑर्डर दीजिए, हम करवा के देंगे आपको जो मर्जी। मतलब होम डेकोर, होम थीम कलर के हिसाब से आप अपना करवा सकते हैं। आपको चाहिए, नहीं मेरे को तो एकदम ब्राइट ऑरेंज चाहिए, हम वो करवा के देंगे आपको, क्या बात, नो प्रॉब्लम, दिल खुश कर दिया। हाँ जी, हाँ जी जी, अनीश जी। तो सर ये आपका गोडाउन है? हाँ जी अनिश जी, मैंने सोचा कि लोग को मैं बोलता हूँ कि गोडाउन है, गोडाउन है, गोडाउन है, तो कोई सोचे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा गोडाउन है, आप देख सकते हैं स्टॉक कितना भरा हुआ है पूरा, बहुत। इस साइड आप देख सकते हैं कि पूरा रोटो का ही माल भरा हुआ है, इस साइड पूरा हमारा प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं नॉर्मल, वो पूरे भरे हुए हैं। आपके पीछे और साइड में इधर नेट, स्टोन्स, कोकोपेट, खाद टन के हिसाब से रखी हुई है, तो जिसको जितनी भी आइटम चाहिए वो ले सकता है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अनीश जी, ये अभी हमारे लड़के भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए पूरा रोटो का ये माल रखा हुआ, बड़े से बड़ा कमरे सारे स्टॉक हो रखा है ये, बहुत पूरा आगे तक आप देख सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया, तो भाई लाइक करना बनता है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, कि चाहे कि अगर उनको भी इस तरह के एग्जॉटिक प्लांटर्स चाहिए तो वो भी बाय कर सके। बाइंग डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बालाजी नर्सरी रोहिणी अगर आप गूगल करते हैं तो बड़े ये अच्छे रिव्यूज़ हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, और आप यहाँ आके बाय कर सकते हैं। बाइंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।